Hello students, today we are going to start lesson number 13, place words where. अब यहाँ पे बताना है आपको कि कोई चीज़ कहाँ पे है, where. Look at the cat and the box, where is the cat? अब आपको बताना है कि ये box देखो और cat. अब cat कहाँ पे है वो आपको बताना है. सब में यहाँ पे देखो different way. यहाँ पे cat है. In the box, on the box, under the box, behind the box, between the chair and the box, in front of box. अब यहाँ पे क्या है? In. अब in का मतलब क्या होता है? Box है. जैसे for example ये है मेरे पास box और उसमें हम लोग ये in है. ये chalk कहाँ है? Box के अंदर. Chalk is in the box. वैसे यहाँ पे ये cat कहाँ है? Box के अंदर है. In मतलब अंदर. Then next on. अब on कैसे बता सकते हैं? On मतलब क्या होता है? ऊपर. यहाँ ये बुक है फॉर एग्जाम्पल और ये पेंसिल. द पेंसिल इज ऑन द बुक. बुक के ऊपर होना. वैसे यहाँ पे ये बॉक्स है और कैट कहाँ है? ऑन द बॉक्स. बॉक्स के ऊपर है. देन अंडर. अंडर द बॉक्स. कैट कहाँ है? द कैट इज अंडर द बॉक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है और ये पेंसिल अंडर मतलब नीचे है. अंडर मतलब नीचे. द पेंसिल इज अंडर द बुक. बुक के नीचे है पेंसिल. ओके. देन नेक्स्ट बिहाइंड द बॉक्स. अब बुक कहाँ? अरे कैट इस पिक्चर में कैट कहाँ है? बिहाइंड द बॉक्स मतलब बॉक्स है उसके पीछे. बिहाइंड द बॉक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है. मैं कहाँ खड़ी हूँ? बुक के बिहाइंड खड़ी हूँ. पीछे खड़ी हूँ मैं बुक के. या फिर किसी के भी हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं तो फिर रहता है ना कि हम इसके पीछे खड़े रहते हैं. जो आगे वाला होता है हम उसके कैसे खड़े रह रहे हैं? बिहाइंड मतलब पीछे. देन बिटवीन द चेयर एंड द बॉक्स. कैट कहाँ पे है? चेयर और बॉक्स के बीच में है. फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स बुक है. अब ये बॉक्स, ये बुक, ये बॉक्स और ये पेंसिल. ओके. तो फिर बॉक्स कहाँ है? बुक और पेंसिल के बीच में है. बीच में होना बिटवीन. देन नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. कैट कहाँ पे है? फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ बॉक्स मतलब मैं कहाँ पे हूँ? इन फ्रंट ऑफ बुक. बुक के आगे खड़ी हूँ मतलब बुक मेरे इन फ्रंट ऑफ है. यहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहा है कि बॉक्स पड़ा है और उसके आगे है वो. मैं ये बुक के इन फ्रंट ऑफ हूँ मतलब आगे. अंडरस्टूड? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ. समझ में आ गया आपको? नाउ नेक्स्ट इसी के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है. लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बट किसके रिलेटेड दिए? ये यहाँ पे नीचे ये पिक्चर है ना इसके रिलेटेड दिए हैं. ओके. तो वन बाय वन हम देखेंगे और फिर बताओ. नंबर वन है यहाँ पे मम खड़ी है और वो किचन में. अब ये कहाँ पे है? क्वेश्चन क्या है इसके रिलेटेड? लेट्स सी. वेयर इज मम मतलब मदर कहाँ है? इन द किचन मतलब वो किचन के अंदर है. इन द किचन. ओके. नंबर टू वेयर इज द मैन. अब हम वहाँ पिक्चर पे जाएंगे. अब यहाँ पे बताओ नंबर टू में देखो वेयर इज द मैन. ट्री. ट्री को देखना है हमें. मैन कहाँ है? ट्री के नीचे खड़ा है मतलब अंडर. तो वहां पे आप लिखोगे अंडर द ट्री. वेयर इज द मैन? अंडर द ट्री मतलब ट्री के नीचे खड़ा है वो. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट नंबर थ्री वेयर इज द क्लॉक. अब हम पिक्चर देखेंगे. यहाँ पे नंबर थ्री द वॉल. आपको देखना है पहले कि वॉल है मतलब उस पे देखना है कि वो क्या कर, उस पे क्या हो रहा है. वॉल के क्या है? वो ऊपर है. ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर लगी हुई है ना क्लॉक. तो आप क्या लिखोगे? ऑन द वॉल. नंबर फोर वेयर आर द गर्ल्स. अब गर्ल्स कहाँ है? लेट्स सी. पिक्चर है द क्लासरूम. नंबर फोर गर्ल्स कहाँ है? क्लासरूम. क्लासरूम है और गर्ल्स अंदर बैठी हैं तो क्या कहेंगे? इन द क्लासरूम. कि क्लासरूम के अंदर है. यहां हम आएंगे वेयर आर द गर्ल्स? इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर है. देन नंबर फाइव वेयर आर द बर्ड्स. अब हम फिर पिक्चर देखेंगे. यहाँ पे नंबर फाइव द स्काई. स्काई में है तो वेयर आर द बर्ड्स? इन द स्काई. स्काई में है बर्ड्स. लुक हियर वेयर आर द बर्ड्स? इन द स्काई. नंबर सिक्स वेयर आर द बुक्स. अब यहाँ पे बताओ कि बुक्स कहाँ पे? बिल्कुल सिंपल. नंबर सिक्स द टेबल. अब यहाँ पे ऊपर बुक्स पड़ी हैं तो क्या कहेंगे? टेबल का बुक्स कहाँ है? टेबल के ऊपर है. क्या कहेंगे? ऑन द टेबल. बुक्स कहाँ पे है?
ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी हैं बुक्स. हमने ये सीखा था ना, बुक के ऊपर पेंसिल थी, बस वही. नंबर 7, वेयर आर द शूज. लेट्स सी नाउ द बॉक्स. बॉक्स क्या है, कहाँ पड़े हैं शूज, अंदर पड़े हैं, तो क्या कहेंगे हम, इन द बॉक्स. वेयर आर द शूज, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर पड़े. देन नंबर 8, वेयर आर द हॉर्सेस. हॉर्सेस कहाँ है, फील्ड के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, इन द फील्ड. वेयर आर द हॉर्सेस, इन द, इन द फील्ड. ओके, अंडरस्टूड. आपको क्लियर होना चाहिए कि इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, इनका मीनिंग क्या होता है, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे. देन फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ऑन और इन. आपको ऑन और इन के साथ आपको फिलअप्स फिल करनी है. नंबर 1, आई हैव हेयर डैश माय हेड. हमें हेयर्स कहाँ है, ऑन द हेड, हेड के ऊपर, हेड के अंदर तो नहीं है. इन मतलब अंदर, ऑन यानी ऊपर, तो हेड के अंदर तो बाल नहीं है, ऊपर हेयर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन. देन नेक्स्ट नंबर 2, आई हैव शूज डैश माय फीट. अब फीट के ऊपर ही हम शूज पहनते हैं, फीट अंदर होते हैं, पर हम शूज कहाँ पहनते हैं, ऊपर ही, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन. आई हैव शूज ऑन माय फीट. देन नंबर 3, देयर इज अ फिश डैश द रिवर. अब रिवर में फिश, फिश कहाँ होती है, अंदर होती है, इन, तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ फिश इन द रिवर. नंबर 4, आई हैव टीथ डैश माय माउथ. अब माउथ है, हमें टीथ कहाँ है, माउथ के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, इन. आई हैव टीथ इन माय माउथ. देन नेक्स्ट नंबर 5, द गर्ल्स वर डैश द क्लास. गर्ल्स कहाँ है, क्लास के अंदर होंगी, क्लास के ऊपर तो नहीं बैठेंगी, क्लास के अंदर ही होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, इन. नंबर 6, द काउज वर डैश द फील्ड. काउज कहाँ है, फील्ड के अंदर ही, इन द फील्ड. देन नंबर 7, देयर वॉज अ कार डैश द रोड. अब कार कहाँ है, रोड के ऊपर, रोड के ऊपर ही कार चलती है, इन तो हम लिख नहीं सकते कि रोड के अंदर, नहीं, रोड के ऊपर होगी, तो देयर वॉज अ कार ऑन द रोड. देन 8, आई हैव पर्स डैश माई पॉकेट. हमारे पॉकेट में पर्स होता है, तो क्या लिखेंगे हम, पॉकेट के अंदर होता है पर्स, तो आई हैव अ पर्स इन माई पॉकेट, पॉकेट के अंदर. नंबर 9, देयर वॉज अ कैप डैश हीज हेड. अब देयर वॉज अ कैप डैश हीज हेड, कैप कहाँ है, उसके हेड के ऊपर, कैप भी हम ऊपर ही लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन. नंबर 10, देयर इज अ मंकी डैश द रूफ. वो जो रूफ होता है ना हाउस के ऊपर, रूफ, तो वहाँ पे मंकीज कहाँ होते हैं, ऑन द रूफ, उसके ऊपर बैठे होते हैं, तो यू हैव टू राइट हियर ऑन. नंबर 11, देयर वर टू मैन डैश द कार. वहाँ पे दो लोग हैं कार के में, कहाँ होंगे, कार के अंदर ही होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन द कार. देयर आर मैनी पिक्चर्स डैश दिस पेज. अब बोला कि इस पेज पे काफ़ी पिक्चर्स है, तो हम क्या कहेंगे, पेज के अंदर नहीं, दिस पेज मतलब ऑन द पेज, ये पेज के ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स है. देयर आर मैनी पिक्चर्स ऑन दिस पेज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही देखो, इस पेज के ऊपर ही काफ़ी पिक्चर्स है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन. ओके, ये तो हम कर चुके. नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर. अब यहाँ पे मम, नेहा, मोती, डैड एंड सोनू. नाउ टेल, अब इसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस है. नाउ हु इज बिहाइंड डैड. अब बिहाइंड मतलब क्या होता है, अब पूछा है कि डैड के बिहाइंड कौन है. बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे. तो डैड के ये क्या होगा, आगे होता है ये, इसके पीछे, पीछे कौन है, मोती. डैड के बिहाइंड कौन है, मोती. तो आप क्या लिखोगे, MOTI, मोती. ओके, देन नंबर 2, हु इज बिहाइंड सोनू. अब सोनू के बिहाइंड कौन है, मतलब पीछे. बिहाइंड आपको अगर देखो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और इन सब का मतलब नहीं समझ आता, तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते. इसलिए सबसे पहले आपको ये 6 का मतलब समझ ही जाना है क्या होता है, उसके बाद ही आप सारी एक्सरसाइज कर पाओगे. हु इज बिहाइंड सोनू. अब सोनू के बिहाइंड कौन है, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, तो बिहाइंड कौन है, सोनू के डैड, तो आप लिखोगे डैड. नंबर 3, हु इज इन फ्रंट ऑफ मोती. इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे, तो मोती है यहाँ पे, और उसके आगे कौन है, इन फ्रंट ऑफ डैड, सो यू हैव टू राइट हियर डैड.
Who is in front of mom? Mom के in front of कौन है, आगे कौन है? नेहा. अगर आप ऐसे भी देखते हैं तो हमारे in front of कौन है वो बताना है आपको, नेहा. Then who is between नेहा and dad? ये नेहा है और ये dad है. Between मतलब बीच में, तो बीच में कौन है? मोती. Then last number 6, who is between mom and मोती? Mom and मोती के between कौन है? ये mom है and ये मोती. इनके between कौन है? तो नेहा. आप जैसे यहाँ पे तो आपने सीखा, बट उसमें मैथ्स में भी आप बिटवीन नंबर्स सीखते हैं, 6-8. तो अब बिटवीन नंबर कौन सा है? तो 6-8 के बिटवीन नंबर कौन सा होता है? 7. आप सीखते हैं ना, बस वही है कि बिटवीन मतलब बीच में, तो आपको इसमें वही लिखना है. नेक्स्ट, राइट द करेक्ट नेम ऑफ फॉर ईच ब्लैंक. ओके, डैश इज बिहाइंड मोती. अगेन वही है, अभी आपको ये ब्लैंक्स करनी है. बिहाइंड मोती मतलब मोती के बिहाइंड, मतलब पीछे, आपको याद ही रखना है. तो मोती के बिहाइंड कौन है? नेहा. हमने ये क्वेश्चन आंसर किए, उसी की तरह आपको ये खुद से सॉल्व करना है. एक बार आप करेक्ट खुद से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करना, और फिर मैं जब आंसर्स आपको सेंड करती हूँ ना, तब आपको खुद चेक करना है. ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट आपको कॉपी नहीं करके लिख लेना है. लुक एट द पिक्चर्स एंड से वेयर द हैन इज. अब आपको बताना है, ये बास्केट है और उधर हैन. अब हैन अलग 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 देखो यहाँ पे दी है सिचुएशन, मतलब हैन कहाँ है वो आपको बताना है. फर्स्ट, अब देखो ये बास्केट है, उसके अंदर बैठा है हैन, तो क्या लिखेंगे हम? इन द हैन इज इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है. अब ये क्या है? बास्केट है, उसके ऊपर खड़ा है देखो हैन, तो क्या लिखेंगे हम जब अगर ऊपर है तो? ऑन कहेंगे उसे, द हैन इज ऑन द बास्केट. फिर अब ये बास्केट है, उसके नीचे, नीचे है ना हैन है, तो क्या लिखेंगे? द हैन इज अंडर द बास्केट. देन अब बास्केट है आगे और उसके पीछे हैन है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर कोई पीछे होता है तो हम क्या लिखेंगे? द हैन इज बिहाइंड द बास्केट. अगर हम आगे खड़े हैं और पीछे, यहाँ मतलब समझो बास्केट है और पीछे, तो हम उसे क्या कहेंगे? बिहाइंड. और अगर बास्केट होता आगे, यहाँ बास्केट रहता और उसके आगे हैन होता, तो हम क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट.